दोस्तों, रीट मेरे एग्ज़ाम हो चुकी है और इसको लेकर के जल्दी ही आपको अब प्रोविजनल आंसर की देखने को मिलेगी और यह राजस्थान कर्मचारी अधीनस्थ चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। उस आंसर की के आधार पर आप जितने भी प्रश्न हैं जिन पर आपको लगता है डाउट लगता है उन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और ऑब्जेक्शन के साथ ही आपकी आपको फीस भी देनी होगी। जिन प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है उन पर उन प्रश्नों के को सबमिट करने के लिए आपको आपत्ति लगाने के लिए आपको फीस देनी होगी। और जब आप ऑब्जेक्शन लगा चुके होंगे इसके बाद में अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उस फाइनल आंसर की के आधार पर ही आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और उस रिजल्ट को के आधार पर ही आपका चयन प्रक्रिया की प्रोसेस चलेगी। इसलिए कई दोस्तों के मन में सवाल होता है कि ये आंसर की कब जारी की जाएगी, इसमें क्या इसमें इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, प्रोविजनल आंसर की कब जारी की जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुकी है। अब दोस्त अब आपको इंतज़ार है तो सिर्फ फाइनल आंसर की का और रिजल्ट का इंतज़ार है। तो यह रिजल्ट जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें और जैसे ही हमको जानकारी मिलेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जल्दी ही आपकी आंसर की जारी होने वाली है। धन्यवाद।